शुक्र गुजार आं मुख्तर इन मुख्तसर टाइम से अज इन मुझे घर जी एम सैद डिफेंस से गद थे आयो अज जी एम सैद डिफेंस से आयल डॉक्टर सिकंदर शोरो वडेरो मोहम्मद साले ब्राह्मणी मल्क चंगेज खान मोहतरम जमील बारी जो बेन सभी दोस्त के भलीकार चूं था मुल्क के अंदर इलेक्शन जो शेड्यूल जारी थे पे सियासी सरगर्मियों उरूज थे जैसा असरात जामशोरे जिले से पिणा इन जिले में जिक्र कल दोस्त असाजे विच में कुछ दिन का राबतो रो सभी गजी यो तय किया है तो जिले के अंदर सियासी इकहटी जो खात्मो आंदो आणी आणियो जिले में गजी 40 साल का राज कंदड़ आवाम आजार सियासत कंदड़ मानन के गुलाम रखंदड़ सियासतकारन का छुटकारो दियारी उन करे मुतफिका तौर ते असा सभी गजी जामशोरो इतिहाद जोड़ियो आए इन इतिहाद जो मकसद 2018 की इलेक्शन में गडियल उम्मीदवार बीहारण जो फैसलो कयो आए जै तहत जिले जामशोरे जे एन ए 283 ते कौमी असेंबली जो उम्मीदवार आऊं सैयद जलाल महमूद शाह पीएस 82 ते डॉक्टर सिकंदर अली शोरो पीएस 81 ते वडेरो मोहम्मद साले ब्रह्माणी पीएस 80 ते आऊं सैयद जलाल महमूद शाह उम्मीदवार हूँ असा सभी जो मकसद यो है तो जिले जामशोरे की आवाम की खिदमत करूँ जिले जामशोरो कुदरती वसीलन सा मालामाल सिंधु दरिया के कंधे ते आए आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मैं 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं और मेरा ख़ानदान गुज़िश्ता 45 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा है। हमने बहुत अदवार देखे हैं, बड़ी मुश्किलात में भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन इस बार जब PS 82 जामशोरो से मैंने अप्लाई किया और उस ये वही हल्का है जो कि पहले PS 71 के नाम से था, PS 82 के नाम से है, उस हल्के से मैं कैंडिडेट था, मैंने पार्टी में अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे एक मखसूस शख्सियत जो कि जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से है उनकी नाराज़गी की वजह से, वो नाराज़गी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे किस बात पे थी, क्योंकि हम यहाँ पे आवाम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बैठ के आवाम के मसाइल हल कर रहे थे, क्योंकि इंफरादी तौर पे जो अपने नाम के लिए काम करना चाहते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे अवामी लोग बैठ के आवाम के मसाइल हल कर सके। मुझे वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब मैं MPA था तो मुझे बहुत सारे ऐसे मसाइल देखने पड़ते थे, इस तरीके से बहुत सारी रुकावटें भी होती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं आवाम के तरफ ना जाऊं, आवाम के पास ना जाऊं। उनको वो लोग पसंद है जो कि आवाम के पास ना जाएं। और PS 82 की जो टिकट है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के पास रही थी और यहाँ से हमेशा हमने कंटेस्ट भी किया हुआ है। अब अगर एक बंदे मखसूस बंदे के वजह से, एक मखसूस अफराद की वजह से, उनकी नाराज़गी की वजह से उनको वो टिकट अवार्ड किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्करों में बेचैनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर इस पर नाराज़, उसके अलावा वो लोग जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से हैं, वो सारे उन्होंने ना सिर्फ मेरी हिमायत की बल्कि इस फैसले को सरासर मुस्तरद किया। तो फिर हमने सब दोस्तों ने मशवरा किया, क्योंकि ये जंग हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में तप्पेदारी कल्चर राइज हो नाफिज हो, हम कैसे छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तियारकार आवाम के सारे हुकूक पे कब्ज़ा किया हुआ हो, यहाँ पे आवाम के मसाइल हल करने के बजाय आवाम के मसाइल में और इजाफा किया जाए, यहाँ पे आवाम को उनके हुकूक से दूर रखा जाए। इसी जदोजहद को हमने 10 महीने पहले शुरू किया था और हमने यहाँ पे आवाम के साथ मिलके उन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था।
آج بھی ہم جب نکلیں تو عوام کی اس طاقت کو ساتھ لے کے نکلے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آج ہم نے یہ جامشور اتحاد کا بنیاد رکھا ہے۔ سید جلال محمود شاہ ایک سیزن پولیٹیشن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، چنگیز خان ہے، ملک چنگیز خان ہے، سالم احمد برہمانی ہے، باریچو صاحب ہے، سارے ہم نے مل کے یہ جامشور اتحاد کا بنیاد رکھا ہے۔ مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے کہ یہاں پہ عوام آزاد ہو، یہاں پہ بولنے کا حق ہو، یہاں پہ لوگوں کی اپنی ملکیتیں محفوظ ہوں، یہاں پہ لوگوں کے لیے وہ وسائل پیدا کیے جائیں، یہاں پہ لوگوں کے لیے وہ سہولتیں پیدا کی جائیں۔ تو ہم نے مل جل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے چپ نہیں رہ سکتے، ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، عوام کے سامنے یہ ساری باتیں رکھنی چاہیے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے، میرے سارے دوستوں کو یہ پوری امید ہے کہ عوام کی عدالت میں فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ 25 جولائی کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پہ فرد واحد کی حکمرانیت کا جو تصور رہا ہے یا جو ایک مخصوص خاکہ پیش کیا جاتا رہا ہے، وہ ہم اس خاکے کو مٹا کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ جامشورو کی عوام یہ اس یہاں پہ مسلط کی ہوئی جو سیلف میڈ حکمرانی ہے ان کو ختم کر کے دکھائیں گے، اور یہ ظاہر کر کے دکھائیں گے، یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ عوام اپنے حقوق کا تحفظ خود کرنا جانتے ہیں۔